Yeah, I'm Dr. Rajiv Saxena, Director in Facility Management and Engineering College Sagar. So, आज Procter & Gamble कंपनी की तरफ से हमारा एक सेशन हुआ था जो संदीप विश्वकर्मा जी ने लिया. बहुत ही इफेक्टिव सेशन हुआ और बच्चों को बिल्कुल इफेक्टिवली उन्होंने बताया कि हम इंटरव्यू में अब जाते तो हमारा अपियरेंस कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बोलते वक्त किसी से क्या बात करनी चाहिए उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए. ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरीके से एलोब्रेट की, एक्सप्लोर की संदीप विश्वकर्मा जी ने और मज़ा आ गया. बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया रियली में और बहुत ही वंडरफुल सेशन था. और हमारे यहाँ सेशंस होते रहते हैं बट ये कुछ स्पेशल ही था जो हुआ इस बार, क्योंकि बच्चों ने इस बार पूरा समझा भी और बच्चों के लेवल पर आकर सर ने पूरा समझाया उनको. और एक एक बच्चों का जो एकदम जो उन्होंने बिल्कुल ऑन द स्पॉट चीज़ें जो रखी, इंटरव्यू पैनल बनाया, फिर उसमें इंटरव्यू में कैसे लड़के को आना है और फिर सामने बैठकर कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, ये सब भी बताया. बहुत ही इफेक्टिव सेशन है. तो थैंक यू संदीप विश्वकर्मा सर कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया और बच्चों ने ये भी बहुत इन्जॉय किया. बहुत ही अच्छा था. थैंक यू सो मच. वेरी गुड आफ्टरनून. माई नेम इज़ पंकज गोस्वामी. आई एम फ्रॉम ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट टुडे वी हैव अ मोटिवेशनल सेशन बाय संदीप सर फ्रॉम दैनिक जागरण. एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आर ऑर्गनाइजेशन एज वेल एज फॉर दी स्टूडेंट्स. वी ऑल एन्जॉयड वेरी मच एंड वी ऑल्सो लर्न वेरी थिंग्स रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. थैंक यू. थैंक यू. नमस्कार. आज 6 अप्रैल 2023 को सोलदरा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में एक स्किल डेवलपमेंट वाला और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक हमने सेशन रखा था, जिसमें नई दुनिया जागरण ग्रुप के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप सर आए. और संदीप सर ने हमारे महाविद्यालय में संचालित 5 ब्रांच के सभी विद्यार्थियों को इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से काफ़ी पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम कर सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स के बारे में बताया कि कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कैसे आपकी पोस्चर्स होनी चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से बताया. और हम आगे उम्मीद करेंगे कि संदीप सर और उनकी टीम जो है आगे भी हमारे यहाँ ऐसे इंटरेक्टिव प्रोग्राम करते हैं. नमस्कार. मैं प्रिंसी पाठक, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर. एज यू नो, आज हमारे यहाँ संदीप विश्वकर्मा सर आए थे, जिन्होंने अपने मोटिवेशनल थॉट से हमारे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्हें सिखाया कि हाउ टू फेयर, हाउ टू लर्न टू एक्सेप्ट योर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड फेस द डिफ़िकल्टीज एंड मोटिवेट टू द कैरियर टू डिफरेंट गोल. और हमें बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया सर का प्रोग्राम. और हम चाहते हैं सर दोबारा हमारी यूनिवर्सिटी में आए और बच्चों को मोटिवेट करें. थैंक यू सो मच सर. मिस्टर संदीप विश्वकर्मा जी, जो आपने आज हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल सेशन दिया है और एक सेमिनार आयोजित किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस सेमिनार के द्वारा हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, अभी एक क्लास रनिंग है जो निकलने वाली है, वो कुछ आगे चल के सीखेंगे और कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कैसे अपने ग्रूमिंग करनी है, वो बहुत सारी चीज़ें आपने आज बताई हमारे बच्चों को और बच्चे भी सीखेंगे. और हम लोग तो टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन आप जैसे अगर मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं तो ये और अच्छी बात है कि उसमें थोड़ा सा बच्चों के इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आगे चल के जो प्लेसमेंट होगा बच्चों का, उसमें आपके द्वारा दिया गया ये सेमिनार, आपके द्वारा बोले गए ये मोटिवेशनल शब्द उनके भविष्य को गढ़ने में और अच्छी तरीके से काम आएंगे. इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप दिनों दिन ऐसे ही आगे अपने मोटिवेशन से स्कूल कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करते रहें और उनके भविष्य में और उनके सक्सेस में आप सहयोग करते रहें. धन्यवाद. संदीप विश्वकर्मा जी के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने छतरपुर शहर में एक मोटिवेशनल सेमिनार की नई शुरुआत लेकर के आई है और इनका जो सेमिनार है वो अपने आप में काफ़ी कुछ तैयारी करके, काफ़ी कुछ कंटेंट्स साथ में लेकर के, काफ़ी कुछ प्लानिंग के साथ बच्चों के सामने रूबरू होते हैं और बच्चों को ये काफ़ी
अलग अलग तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनको स्मार्टनेस बढ़ाने में काम करते हैं। और मैंने भी इनका ये सब बात पहले मैंने पूरी अपनी स्वयं समझी और फिर बच्चों के सामने दी, तो बच्चों के पास तरफ से भी मेरे पास इनके प्रति काफ़ी अच्छा फीडबैक आया और मेरे को भी लगा और मेरे को ये काफ़ी मैं इनसे प्रेरित हूँ कि ये इतना अच्छा काम छतरपुर शहर में कर रहे हैं और अब तो ये देश के कई सारे जगहों पर जा करके मोटिवेशन और अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं कि ये आगे और तरक्की करें, खूब ऊँचाई पर पहुँचें।